तो गाइस आज हम अपने गोरा फ्रेंड कह लें, गोरा यूट्यूबर कह लें या फॉर्मर फ्रेंड कह लें, पर हमारे वो दोस्त हैं उन्हें लेकर आज हम जा रहे हैं केएफसी ट्राई करने के लिए जा रहे हैं कि केएफसी में वो क्या चीज़ और क्या खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये दिन का वक्त है, तकरीबन 12:50 हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं केएफसी में और केएफसी में देखते हैं वो क्या कुछ ट्राई करते हैं, और केएफसी उनसे ये भी पूछेंगे कि केएफसी पाकिस्तान की बेस्ट है या यूके की बेस्ट है, और उन पब्लिक का रिएक्शन चेक करेंगे केएफसी में, और केएफसी के स्टाफ का भी रिएक्शन चेक करेंगे कि वो इनको देखकर क्या रिएक्शन होता है उनका। और काफ़ी ही ज़्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग होगी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो में। और केएफसी में हम जाकर कुछ इंस्टाग्राम रील भी बनाएंगे और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करेंगे। अगर आपने हमारी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ तो यार जल्दी से जल्दी जाके फॉलो कर लो, क्योंकि मैं न्यू अपडेट वहीं डालता हूँ, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, सब कुछ इंस्टाग्राम आईडी पे मेंशन कर देता हूँ। और अभी केएफसी तकरीबन कोई 10 कदम पे है, केएफसी में जाएंगे और केएफसी के बाद हमारा प्लान है कि हम उनको लेके सेंट्रल व्यूज मॉल में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो आई होप हमारी वीडियो को आप इंजॉय करेंगे। अभी जा रहे हैं केएफसी के पास और केएफसी में देखते हैं कि क्या चीज़ हम ट्राई करेंगे, जिंगर बर्गर ट्राई करेंगे या कुछ और चीज़ें ट्राई करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और मेरे तकरीबन सारे व्लॉग इनके साथ ही होंगे, आई होप हमारे व्लॉग को आप इंजॉय, इनकी लुक चेक कर सकते हैं आप क्या रिएक्शन होता है। अभी फाइनली केएफसी में पहुँच आए हैं, देख सकते हैं अभी हम एंटर करेंगे केएफसी, लुक चेक कर सकते हैं आप केएफसी। ये छोटे बच्चे पिक्चर बनवा रहे थे इनके साथ, आपने चेक नहीं किया इन आंटियों का रिएक्शन चेक करते, मैं बाहर से वीडियो बना रहा था केएफसी की तो वो तो अंदर आ गए थे, तो मैंने कहा आप अंदर चलें तो मैं एक भी थोड़ी सी वीडियो बना के आता हूँ। तो आंटी का रिएक्शन ही आपने चेक किया, आंटी जैसे आंखें फाड़ फाड़ के इन्हें देख रहे थे, यार ये कौन आ गया यहाँ। ये पूछ रहे थे कि कितनी देर लगेगी, तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस साइड से ऑर्डर पेश करेंगे उस साइड से। क्या बोला तूने? सिम में आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आप जो भी चीज़ ट्राई करना चाहते हैं वो देखिए ट्राई कर सकते हैं, रेट भी मेंशन होगा सब कुछ। यहाँ पर हम इस साइड पे हम ऑर्डर पेश करेंगे, इनको पेमेंट कर देंगे और दूसरी साइड से आप बिल दिखा के तो वहाँ से अपना ऑर्डर ले लेंगे। यहाँ से दो कापी जो होंगी एक ये अपने पास रखेंगे और एक हमें देंगे, फिर वहाँ से आपको ऑर्डर पे आपके कोड नंबर दिया जाएगा, आप कोड नंबर वो बोलेंगे तो फिर आपने आके अपना ऑर्डर ले लेना, और आप यहाँ पर कहीं भी बैठ के ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, और काफ़ी बेचा है वो ऊपर जाके बैठते हैं और फिर देखते हैं क्या ही ज़्यादा वो कहते हैं बड़ी प्लेस। आपने ऑर्डर पेस करना, ऑर्डर पेस करने के बाद आपको की साउंड वगैरह यहाँ कैमरा केएफसी के स्टाफ को दे दिया, अभी वो वीडियो बना रहे हैं तो चलते हैं उनका रिएक्शन चेक करते हैं, और काफ़ी ही ज़्यादा मज़ा आया रिएक्शन चेक कर गया। आंटी इनके साथ पिक्चर बनवा रही थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि
ये बुरा लगता है अगर कोई वीडियो बना रहा था तो मैं वीडियो उनकी बनाता तो बहुत ही बुरा होता, पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा इनके साथ पिक्चर बनवा के बहुत ही। फाइनली गाइस ऊपर पहुंच आए हैं, तो देखते हैं अब ये किस तरह ट्राई करते हैं। तो इसके अंदर क्या देख सकते हैं, फोर बर्गर्स हैं, जिंगर बर्गर और साथ ग्रिल चिकन के साथ, ये दो पान। तो गाइस एक बात शेयर करनी थी और आपसे एक बात करनी थी कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, इनके मैं सब्सक्राइबर रिवील कर देता हूँ, इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं ऑन यूट्यूब और ये बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं। इनका नाम तो अभी रिवील नहीं करूँगा, ना ही इनकी एज और ये क्या कहाँ से आए हैं वो शहर भी मैं आपको बताऊंगा, पर ये यूके से आए हैं स्पेशली हमसे मिलने के लिए और कश्मीर के और पाकिस्तान के अंदर वीडियोस बनाने के लिए। गाइस एक बात आपसे शेयर करनी थी कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है कि मैं एक बड़े यूट्यूबर के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही बड़े, वो भी यूके से गोरा यूट्यूबर कह सकते हैं, मेरे दोस्त हैं। तो मुझे अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, अल्लाह पाक हर बंदे पर अपनी करोड़ों रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है कि मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ, और गाइस ये अल्लाह पाक की रहमत की वजह से और आप सब के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो चुका है कि 7,000 सब्सक्राइबर जो कंटेंट बनाने कंटेंट ढूंढता रहता था, बस आपकी मदद की वजह से ये पॉसिबल हुआ, आपकी सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हुआ। इसी तरह गाइस सपोर्ट करते रहें। एंड गाइस बर्गर ख़त्म करने के बाद ये आइसक्रीम ट्राई करेंगे और उसके बाद मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ये आवाज़ जो है ना, ये मैं घर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर कॉपीराइट क्लेम साउंड जो है ना KFC के अंदर वो चला रहे थे, तो इस वजह से मैंने उधर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की। हालांकि नीचे वाले फ्लोर पे तो वो साउंड नहीं थे चला रहे, पर ऊपर वाले फ्लोर पे है ना ये साउंड चला रहे हैं, तो इसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो इसीलिए आधी रिकॉर्डिंग घर पे कर रहा हूँ। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, जो जो बातें हुई हैं वो मैं डिटेल के साथ आपके साथ कर रहा हूँ, तो इसीलिए यार व्लॉग को इंजॉय। और इनसे मैंने पूछा कि बर्गर ट्राई करके आपको कैसा लगा, यूके वाली KFC बेहतर है या पाकिस्तान की, तो इन्होंने कहा कि दोनों बेहतर है, पाकिस्तान की भी KFC बेहतर है और वहाँ की, और आइसक्रीम कह रहे हैं काफ़ी ही मज़ेदार है KFC वालों की और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं। देख सकते हो और काफ़ी ही ज़्यादा मज़ा, क्योंकि अभी तो कल ही ये आए हैं, तो अभी कल इनको पता है सिम कार्ड दिलवाने के बाद अभी मैंने कहा जी ये KFC ट्राई कर लें कि KFC में क्या होता है, और आगे भी कोई 2-3 जगह हैं फेमस प्लेसेस है वो मैं रिवील नहीं करूंगा, पर उन जगह पर जाएंगे, वहां पर जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और इनका रिएक्शन चेक करेंगे कि ये क्या रिएक्शन देते हैं उन प्लेसेस पर जाके, क्योंकि वो पाकिस्तान की बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं। लिटरली गाइस अभी व्लॉग एडिट करूंगा और एडिट करने के बाद सुबह अपलोड भी करना है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, और अल्लाह पाक हम सब पर रहमत नाजिल फरमाएं और हम सब की सपोर्ट करें।